नमस्कार दोस्तों, फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स हम देख रहे थे। सिर्फ एक दिन का कवर किया था हमने, रेस्ट 28 फरवरी के ऑनवर्ड्स यानी कि बैक चैनल से देखेंगे। 28 फरवरी से 1 फरवरी तक का बैक इन से देखेंगे। ये सोर्स मैंने इस्तेमाल किया है जीके टुडे, और जो राज्यसभा और अदर न्यूज है उसको सब्सिक्वेंटली कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, अप्रैल 2020 में किया जाएगा रेस 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन। ये क्या भारत सरकार ने हाल ही में रेस 2020 यानी कि इसका फुल फॉर्म याद कर लिया, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। देखिए, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 ये क्या है? एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। इसको सोशल एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक उत्थान में कैसे प्रयोग किया जाए, इससे रिलेटेड एक शिखर सम्मेलन की घोषणा हुई थी, जो कि 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में होगा। अभी ये होने वाला है, फर्दर फिर न्यूज आएगी। तो जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये बीयू से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, प्लस यूपीपीसीएस में आगे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसमें मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किसको हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप अगर एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं या गूगल का आप ये टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे आप समझ लीजिए कि एआई क्या है। जैसे आपने कहा एप्पल का अगर फोन आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सीरी एक ऐप होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। तो जस्ट किसी को कॉल करने के लिए एक पुश बटन दबा करके हे सीरी कॉल ए, कॉल बी, कॉल सी, किसी को भी आप फोन कर सकते हैं। ऐसे ही अमेज़न का आता है एक एलेक्सा, या मेक माई ट्रिप से आप कुछ डाउन बुक करिए, टिकट बुक करिए, तो वहां पर आजकल क्या हो रहा है कि हर मतलब कोई भी आपको कंप्लेन हो तो वहां पर सीधे आप कस्टमर केयर में बात करने के बजाय आपको चैटबॉट का ऑप्शन देते हैं, जो कि प्री डिफाइंड कुछ क्वेश्चंस लिखे रहते हैं कि अच्छा टिकट नहीं बुक हुआ या रिफंड नहीं हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस को खुद ही आंसर करता है। तो धीरे धीरे ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि कुछ प्रश्नों को जोड़ता चला जाता है अपने आप में, और जो काम आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको वो स्टोर करता चला जाता है, जिससे कि अगली बार जब आप वही इंस्ट्रक्शन दें तो तुरंत ही वही काम करने लगे। तो ये मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे विकसित की जाती है, खुद को ढालने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक सक्षम होती है, धीरे धीरे ये सीखती जाती है। जैसे मान लीजिए पहली बार आपने वॉशिंग मशीन को ले लीजिए, अगर आपको वॉशिंग मशीन को अपनी इंटेलिजेंट बनाना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें डालना है, तो क्या करेंगे, जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो जो बटन आप प्रेस करेंगे उससे वो, मान लीजिए उस बटन से प्रेस करने से वो कपड़ा धुलने लगी मशीन, अगली बार जब आप कपड़ा डालेंगे तो वो मशीन क्या करेगी, बिना उस बटन के आपके द्वारा प्रेस किए वो खुद ही उसको प्रेस कर देगी, क्योंकि उसके में समझ विकसित हो गई है कि जब कपड़ा डाला जाएगा तो अंदर इस बटन को प्रेस करने से ही कपड़ा धुला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या है, इंसानों की तरह से सोचने की क्षमता विकसित किया जाता है मशीन में। तो इतना आप याद रखिए। शिखर सम्मेलन हम देख लिया, रेस 2020 सीधा सवाल यही पूछ लिया जाता है, रेस 2020 किस चीज से रिलेटेड है, तो वो हमने देख लिया कि रिस्पॉन्सिबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक उत्थान में किस तरह काम आएगा। इसी से संबंधित एक और खबर थी कि नीति आयोग ने स्कूलों में लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल। ये क्या, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन और नैसकॉम के समर्थन से टिंकरिंग लैब चलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लर्निंग कोर्स वहीं पर लॉन्च किया इसने नीति आयोग ने। अटल टिंकरिंग लैब और अटल इनोवेशन मिशन क्या है कि देश में, अपने देश में अलग तरीके से कुछ काम करने या कुछ नवोन्मेषी, कुछ नए विचार, जो नया शोध होता है उसको डेवलप करने के लिए, स्कूली छात्रों को डेवलप करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लाया गया था। उसी के तहत स्कूली स्टूडेंट्स को अटल टिंकरिंग लैब वहां पर बनाई जाती है। तो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स का क्रियान्वयन लगभग 5,000 टिंकरिंग लैब्स बनाई जा रही है, कुछ 2.5 मिलियन छात्रों को लाभ होगा। यही सब मतलब आंकड़े दिए हुए, उतने महत्वपूर्ण मुझे लगे नहीं। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में दिया हुआ है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, ये अटल इनोवेशन मिशन देश में नवोन्मेष और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देश में इनोवेशन के लिए उपयुक्त माहौल का निर्माण करना है। अटल इनोवेशन के दो अन्य अनुभाग टिंकरिंग लैब और इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि जहां पर जैसे किसी चीज को निर्माण करना, मतलब स्टार्ट से लेकर के एंड तक, उसको स्टार्ट से लेकर के और मैच्योर होने तक अगर कहीं एक ही जगह निर्माण किया जा रहा है तो उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं।
इसका उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और नए प्रोग्राम एवं नीतियों का निर्माण करना, विभिन्न साझेदारों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना और देश में हो रहे नवोन्मेष का अवलोकन करना। नेक्स्ट न्यूज है हुरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट 2020। यह विश्व के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की एक उन्होंने सूची जाहिर की। किसने जाहिर की? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020। इसके अनुसार सबसे ज्यादा अरबपति कहां पर हैं? चीन में, और अमेरिका नंबर 2 पर आ गया। हालांकि नई लिस्ट आएगी तो उसमें चीन की अर्थव्यवस्था नीचे गई तो अब वो भी थोड़ा नीचे चले जाएंगे। नंबर 1 पर कौन है? जेफ बेजोस। ये अमेजन के संस्थापक हैं, और याद रखिए विश्व का जो सबसे अधिक धन या जिस विश्व का सबसे अधिक अमीर व्यक्ति अगर गिना जाएगा तो वो अमेरिका का ही होगा, लेकिन सर्वाधिक अरबपति अगर गिने जाएंगे तो वो चीन में होंगे। भारत के मुकेश अंबानी जी 10वें स्थान पर इसमें दिया हुआ है, यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ 9वें स्थान पर, जो कि मैंने थोड़ा सा त्रुटि मुझे लग रही है, ये 9वां नहीं है, 10वां स्थान होगा, क्योंकि लिस्ट में भी लिखा है कि 10th पोजीशन पर है मुकेश अंबानी जी। याद रखिएगा टॉप 10 में सिर्फ एक है मुकेश अंबानी जी, वो 10वें स्थान पर है, और हुरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट में नंबर 1 पर जेफ बेजोस है और अपने यहाँ से मुकेश अंबानी नंबर 10 पर है। नेक्स्ट न्यूज है भारत सरकार करेगी उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करेगी। इस किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होगी? ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019, जो कि अभी रिप्लेस किया हाल ही में। इस अधिनियम ने किस अधिनियम को रिप्लेस किया? 1986 वाला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था उसके स्थान पर यह अधिनियम लागू किया गया। कौन सा? ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के रिप्लेसमेंट में लाया गया। उसमें संशोधन नहीं है, पूरी तरह से नया कानून लागू हो गया। इसमें अधिनियम में 6 उपभोक्ता कृत्यों को परिभाषित किया गया है। क्या? सुरक्षा अधिकार होगा उपभोक्ता को, मुखबिर होने का अधिकार मतलब कि वो कंप्लेन कर सकता है, चुनने का अधिकार कि मोनोपोली ना हो, कंपटीशन हो, जैसे अब जियो सबको फ्री में बांट दे उसके बाद एयरटेल वोडाफोन बैठ जाए बाद में वो चुनने का अधिकार ही ना रहे उसके पास, सुने जाने का अधिकार मतलब अपील सुनवाई होगी उपभोक्ता अदालतें जो होती हैं, फिर उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार मतलब कि उसको इम्प्रेस किया जाए कि क्या प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में जानकारी भी दी जाए। देखिए पेपर में हमेशा प्रोडक्ट के बारे में लिखा रहता है, और शिकायत निवारण का अधिकार, ये थोड़ा त्रुटि है यहाँ शब्द में, अधिकार होना चाहिए। तो ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की कुछ छोटी मूल बातें, इसी के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना हो रही है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ भी अब मतलब जैसे फेयर एंड हैंडसम लगा के कोई गोरा हो जाए इस तरह का भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ भी अब एक्शन लेंगे सर, मतलब ये प्राधिकरण एक्शन लेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 21 में भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित प्रावधान है, जुर्माना भी लग सकता है, सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उत्पादन का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु के HAL परिसर यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के उत्पादन का मतलब एक कोई यूनिट उसका उद्घाटन किया। ये मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या होता है? लाइट कॉम्बैट का मतलब हल्के लड़ाकों से मतलब है। हम हेलीकॉप्टर कहाँ से मंगवाते हैं? नॉर्मली हम हेलीकॉप्टर बाहर से ही लेते हैं क्योंकि लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने यहाँ बना नहीं पाते। अभी आपको पता है चिनूक से रिलेटेड समझौता हुआ है भारत का अमेरिका के साथ, चिनूक है, अपाचे है, ये भी यूएस से हम ले रहे हैं, कोमोव ये रसिया से ले रहे हैं, और एक और रोमियो वो भी हम यूएस से समझौता कर रहे हैं हेलीकॉप्टर का। उसी तर्ज पर भारत में भी एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने की यूनिट HAL बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे तैनात किया जाएगा ये सब लिखा हुआ, सियाचिन बेस पर तैनात होंगे, ये तो उतना महत्वपूर्ण मुझे लगा नहीं। हालांकि एक लक्ष्य दिया है भारत सरकार ने कि 2024 तक हम रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाएंगे। रक्षा निर्यात, रक्षा उत्पादन निर्यात मतलब कि हम खुद भी अब निर्यात कर सकेंगे, जैसे हम कहीं बाहर से लेते हैं वैसे हम भी कुछ निर्माण करके बाहर निर्यात कर सकेंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि भारत ने आर्मेनिया के साथ समझौता किया, आर्मेनिया को हम कुछ सप्लाई करेंगे, तो कुछ बनाते होंगे तभी सप्लाई करेंगे, उसकी नेक्स्ट न्यूज हम कवर करेंगे सब्सिक्वेंटली। HAL अभी तक ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना चुका है, मल्टी रोल 7 सीटर चेतक हेलीकॉप्टर बना चुका है, चीता और लांसर इन सबको का विकास कर चुका है, मतलब कि ये इंडिजीनियस है। नेक्स्ट न्यूज है कि म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, अभी भी समझौते पर लगातार इस पर न्यूज आ ही रही है,
दस ज्ञापन समझौते में, ज्ञापन समझौते क्या होते हैं कि भविष्य में इस तरह का हम कोई काम करेंगे ऐसा वो कहते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति है यू विन मिंट, म्यांमार की राजधानी है नई पईता। भारत और म्यांमार ने विभिन्न 10 क्षेत्रों में ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रत्यावर्तन है, रखाइन प्रोविंस में, रखाइन प्रोविंस वो जो रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला इशू चल रहा है वहां पे विकास करेंगे, कुछ स्कूलों सड़कों जलापूर्ति ये सब तमाम चीजें दी हुई हैं। रखाइन प्रोविंस के बारे में लिखा हुआ है, म्यांमार देश का एक रखाइन प्रोविंस है जहां बौद्ध समुदाय और रोहिंग्या समुदाय के बीच संघर्ष चल रहा है, बहुत पुराना संघर्ष है लेकिन अब क्या वहां से रोहिंग्या का पलायन हो चुका है तो वर्तमान सरकार जो म्यांमार सरकार है उसको थोड़ा डिफेंस करना पड़ रहा है कि हाँ कोई मतलब हिंसा नहीं हो रही है रोहिंग्या के खिलाफ। इस तरह से भारत और म्यांमार दोनों मिलकर के सितवे बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं जो कि म्यांमार में स्थित है। यह बंदरगाह रखाइन प्रोविंस में ही स्थित है और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कलादान एक रिवर है, नदी है, आप एटलस ओपन करके म्यांमार में कलादान रिवर देख लीजिएगा और सितवे पोर्ट देख लीजिएगा, ये अवेलेबल है। जब म्यांमार को आप देखेंगे इस तरह से म्यांमार कंट्री है, यहीं पर कलादान रिवर ऐसे बह के आती है। नेक्स्ट न्यूज है, श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव से अलग हो गया। श्रीलंका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी को सूचित किया है कि युद्ध के बाद जवाबदेही और सामंजस्य पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से वो पीछे हट रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव दिया था 40x1। नॉर्मली करंट अफेयर्स में कोई प्रस्ताव रहता है संयुक्त राष्ट्र का तो वो वैसे पूछ लिया जाता है, संभावना तो कम है बट फिर भी एक बार एक नजर देखे रहे। श्रीलंका ने अपने आप को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव से अपने आप को अलग किया है, मानवाधिकार से अलग नहीं किया है, मानवाधिकार परिषद से अलग नहीं किया है। चर्चा में क्या समस्या क्या है, देखिए श्रीलंका ने एक अपना पोर्ट है हम्मन टोटा पोर्ट, उस पोर्ट को चाइना को लीज पर दे दिया। लीज पर क्यों दिया, क्योंकि चीन से उसने कर्ज लिया था, उस कर्ज को वो समय पर वापस नहीं कर पाया, तो चीन ने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मांगेगा वो उसका रिटर्न में, तो उसने हम्मन टोटा को 99 साल की लीज पर ले लिया। चीन इसका क्या कर रहा है उपयोग इस पोर्ट का, नौसेना के बेस के रूप में। तो अब देखिए भारत पर भी दबाव है, यूएस पर भी दबाव है कि इंडियन ओशन पर चाइना का कब्जा होने से रोके, तो यही एक छोटी सी ये खबर थी। नेक्स्ट न्यूज है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस श्रीमान सीवी रमन थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसी खोज को 1923 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको, सीवी रमन साहब को, इनको नोबेल मिल चुका है 1930 में। तो देखिए यहां से बहुत सारी न्यूज बनती है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कि मिस्टर सीवी रमन को, इस मिस्टर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1930 याद रखिए। हालांकि उन्होंने रमन स्कैटरिंग या रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, तो इस दिन खोज की थी इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, वुमेन इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं, ये इस बार की थीम थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थापना केंद्र सरकार ने 1986 में की थी, प्रौद्योगिकी संचार परिषद के मांग के आधार पर की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया। इस दिवस को दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने और विज्ञान प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के रूप में किया जाता है। मिस्टर सीवी रमन, जिन्होंने 28 फरवरी को रमन स्कैटरिंग या रमन प्रभाव की खोज की थी, उनके इस खोज के दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा उनका जन्मदिन नहीं है ना उनका निर्माण दिवस है, ये उस दिन उन्होंने खोज की थी और 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। रमन स्कैटरिंग क्या होती है, रमन स्कैटरिंग होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इंटर मान लीजिए ये कोई माध्यम की बाउंड्री है, प्रकाश ऐसे इंटर हुआ और दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वह उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाता है और वो स्कैटर होकर के एक अगर बीम आ रही है तो वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विबग्योर में परिवर्तित हो जाती है। विबग्योर वायलेट से स्टार्ट होकर के रेड तक शुरू होता है, विबग्योर कुल 7 तरंग की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित हो जाता है। तो आपतित जो किरण होती है, जो किरण मतलब इंटर हो रही है, वो किरण आपतित होकर के और इसमें स्कैटर्ड हो जाती है। तो विबग्योर 7 तरह के अलग अलग कलर, इसी वजह से इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंग में, 7 टाइप ऑफ कलर्स में, वायलेट से शुरू होता है रेड तक,
देखिए फ्रीक्वेंसी वाइज विबगोरसम की फ्रीक्वेंसी वायलेट की सबसे अधिक होती है, रेड की सबसे कम, लेकिन तरंग दैर्घ्य जब देखेंगे तो लाल यानी कि रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और वायलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। हमेशा फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य में व्युत क्रमानुपात का संबंध होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, या तरंग दैर्घ्य कम अधिक है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी लिहाज से वायलेट यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी अधिक होता है तो तरंग दैर्घ्य कम, और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इसीलिए जब आप सिग्नल देखिए हमेशा ट्रेन में या सिग्नल में हमेशा लाल कलर का ही इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर इसी कलर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए रेड येलो और ग्रीन यही तीन कलर है जो बात की तरंग दैर्घ्य जब ज्यादा होगी तभी दूर से दिखाई देगा। जब प्रिज्म में देखते हैं तो प्रिज्म में देखिए इस तरह का प्रिज्म बनता है, प्रकाश यहाँ आपतित होता है, इसमें रिफ्लेक्ट इसमें स्कैटर होता है, फिर वापस कंबाइंड होकर के एक ही प्रकाश निकलता है, तो प्रिज्म इस पर काम करता है। ऐसे ही जो एक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके तहत 32 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सीधे सीधे पीसीएस मेंस 2018 में पूछी गई थी और मैंने खुद ही इसकी जगह पे पता नहीं दिमाग में क्या था तो उस समय किसान सम्मान निधि के बारे में लिख दिया था। तो इसका कारण यही है कि जब समय पर रिवीजन प्रॉपरली ना हो तो आपको अगर कोई चीज आती भी रहेगी तो नहीं लिख पाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था किसान संपदा योजना के बारे में, इसमें क्या था कि ये भारत सरकार एक क्लस्टर्स विकसित करेगी जिसमें कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट, खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार, मानव संसाधन गुणवत्ता, ये सब विकसित करेगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करना, मौजूदा इकाइयों को विकसित करना, ये सब चीजें हैं। 2016 में लॉन्च किए थे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और इसके तहत कुछ 32 के आसपास परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो जब भी कोई योजना पढ़े तो उसके बारे में ये जरूर पढ़ लें कि वो योजना किस चीज से रिलेटेड है, किस मंत्रालय से है। अब ये तो किसान कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है वज्र, चेन्नई में ऑफशोर पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया। नाम क्या है इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल? वज्र। पेट्रोल वेसल का मतलब होता है पेट्रोलिंग करना, यानी कि निगरानी करना, एक तरह से कह सकते हैं। तो भारत की तटरेखा की निगरानी करने की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड को है, भारतीय तट रक्षक बल जिसको हिंदी में बोलते हैं। आर्म फोर्सेस सशस्त्र बल है भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। देखिए समुद्री सीमाओं की दो तरह से रक्षा होती है, एक तो पेट्रोलिंग पुलिसिंग का काम भारतीय तट रक्षक बल करता है और अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इंडियन नेवी करती है, भारतीय नौसेना। तो याद रखिए उसी में वज्र नाम का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च हुआ अभी हाल ही में। तो जो पेट्रोलिंग वेसल होते हैं उनका साइज छोटा होता है और जो नेवी के शिप्स होते हैं वो थोड़ा आकार में बड़े होते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 26 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई। देखिए इस समय जो सरकार है वो वीर सावरकर और इत्यादि को बहुत अधिक महत्व देती है, इनको भारत रत्न देने की भी चर्चा चल रही है। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने ही 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने ही कहा था। विनायक दामोदर सावरकर किताब लिखी थी इन्होंने, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। बिल्कुल ये एक एक लाइन के फैक्ट्स हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर से दोबारा पूछे जाएंगे। लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने मैजिनी की जीवनी लिखी थी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है इनमें से किसने मैजिनी की जीवनी लिखी है, जोसेफ मैजिनी ये इटालियन क्रांतिकारी थे, उनकी जीवनी किसने लिखी थी? सावरकर ने। 1857 की क्रांति पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किताब लिखी थी, इसकी चर्चा हमने की। रत्नागिरी में कैद के दौरान एक हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम की भी एक किताब लिखी थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तक नहीं पूछा गया है तो मे बी पॉसिबली आगे संभावना बने। हालांकि वे हिंदू महासभा के संस्थापक नहीं थे लेकिन इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। वीर सावरकर ने भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करने की मांग की थी और इनके नाम से अंडमान निकोबार का एक पोर्ट ब्लेयर का एक वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है, उसका नामकरण हुआ है। या बाकी जितनी वीर सावरकर के बारे में चीजें हैं वो इतिहास में तो आप पढ़ते ही हैं।
नेक्स्ट न्यूज है, वित्त मंत्री ने ईज ऑफ बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ईज 3.0 लॉन्च किया है। तो इससे पहले ईज 1.0, ईज 2.0 और नया ईज 3.0 लॉन्च हुआ है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ईज का फुल फॉर्म क्या है, इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि ईज 3.0 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पहला तो यही है कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ईज 2.0 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ईज 3.0 का प्रोफार्मा ने लॉन्च किया। ईज 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को सक्षम और स्मार्ट बनाना है। यानी कि पीएसयू जो बैंक हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब चीजें हैं, तो उनको सक्षम और स्मार्ट बनाना है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, ग्राहकों के लिए बैंकिंग में आसानी सुनिश्चित करना है। ईज क्या है, ईज एक टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बैंकिंग रिफॉर्म का एक सेट है, मतलब प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग सुधारों का एक सेट है। इससे टेक्नोलॉजी का यूज करके बैंकिंग में सुधार लाया जाता है, वित्तीय समावेशन करना, बैंकिंग बेटर बैंकिंग एक्सपीरियंस और इजी क्रेडिट डिसबर्समेंट, आसान ऋण वितरण सुनिश्चित करना इसका टारगेट है। तो ईज का फुल फॉर्म इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस है। सीधा सवाल आएगा ईज 3.0 या ईज चर्चा में था किस क्षेत्र से रिलेटेड है, बैंकिंग, डाक, रक्षा, इस तरह से, तो बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है। पेपरलेस और बैंकिंग को बढ़ावा मिलता है, ये सारी चीजें हैं जो कभी मेंस में पूछ लिया जाए तो लिखने का काम आए, हालांकि पूछता नहीं है इस तरह से। नेक्स्ट न्यूज है, रियलमी ने भारत में पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। एकदम क्लासिक क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी और जो ग्रेजुएशन से बिलो ग्रेजुएशन के एग्जाम है उसमें, सिपाही भर्ती, इन सब में इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। सीधा रियलमी चाइना की कंपनी है, फोन निर्माता कंपनी, इसने पहला 5G इनेबल्ड मोबाइल फोन इंडिया में लॉन्च किया, पहला मोबाइल फोन 5G इनेबल्ड, ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन स्पेन में भी और इंडिया में भी एक साथ लॉन्च किया। हालांकि अभी 5G इनेबल्ड इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी चल नहीं रही है, तो अभी 5G वाला सेट 4G मोड में ही चलेगा। 5G क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पर आधारित एक टेक्नोलॉजी है। 4G LTE चलता है ना, LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। LTE का फुल फॉर्म लिख लीजिए, L से लॉन्ग, T से टर्म, E से इवेल्युएशन, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का अगला चरण है। 5G टेक्नोलॉजी में डाउनलोड और अपलोड स्पीड मौजूदा 4G नेटवर्क से 100 गुना तेज है। सोचिए 4G ऑलरेडी इतना तेज है, 5G कितना तेज होगा। तो इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि जब आप नई टेक्नोलॉजी की बात करें जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, इन सब की चर्चा हमने अपने लेक्चर में की थी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, इंटरनेट, बाकी दिसंबर 2017 में 3GPP ने 5G रेडियो मानकों का पहला सेट पूरा किया। 5G की तेज गति के कारण क्लाउड सिस्टम से संगीत आसानी से स्ट्रीम किया जा सकेगा। इससे बिना चालक वाहन वाले वाहन को आसानी से नेविगेशन डाटा उपलब्ध करवाया जा सकेगा, मतलब ड्राइवरलेस व्हीकल इसी का कॉन्सेप्ट है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास में 5G की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। ये टर्म्स याद रखिए, इस पे अलग से हम एक चर्चा करेंगे, जितनी टेक्नोलॉजी होगी उसकी दोबारा से रिवीजन होगी, हालांकि पहले भी हमने इसको एक साथ देखा हुआ है। एक मैंने ये उठाया है डेटा, 1G 2G 3G 4G 5G में फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। देखिए 1G की फ्रीक्वेंसी 30 kHz पे चलती है, 2G की 1.8 ये जो GHz है ये MHz होगा, यहाँ पे थोड़ा मतलब फैक्चुअल थोड़ा सा बोला, 100 MHz के आसपास इसकी रहती है। और जो बैंडविड्थ होती है, आप फ्रीक्वेंसी के बजाय बैंडविड्थ याद करें, बैंडविड्थ याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1G की बैंडविड्थ 2 kbps, 2G की बैंडविड्थ 14 से लेकर 64, ऑलमोस्ट आप याद रखिए 50 kbps के आसपास। 3G में 2 mbps पे चलता था, 4G में 2000 mbps, ये जो लिखा 2 gbps हो जाता है, ये थोड़ा सा इन्होंने मतलब डेटा प्रॉपरली लिखा नहीं है, जिसने भी मैंने भी उठाते वक्त इसको ध्यान नहीं दिया। 2000 mbps तो 2 gbps ऑलरेडी हो जाएगा, तो इसको नॉर्मली लिखते हैं कि ये मतलब 100 mbps से लेकर के 1 gbps तक 4G की स्पीड है। 5G की 1 gbps से और अधिक 5G में आता है। तो अभी न्यूज के लिए याद रखिए कि 5G का 1 gbps और 4G का 100 mbps से 1 gbps तक, इतना हमारे लिए सफिशियंट होगा। नेक्स्ट न्यूज है, रियाद में G20 देशों के वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक का आयोजन हुआ। ये क्या है, केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन रियाद में। देखिए G20 जो समूह है उसके केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की भी, केंद्रीय बैंक क्या है, हर देश का केंद्रीय बैंक एक होगा, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया है, तो इन सबके गवर्नर्स की एक बैठक होती है। उस बैठक को हाल ही में कहां आयोजित किया गया, रियाद। रियाद कहां है, सऊदी अरब में है। G20 एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है, आप सब जानते हैं, 20 का समूह है जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अभी हाल ही में ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग भी हो गया। तो ये याद रखिए कि G20 के वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक, G20 देशों के वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ, रियाद में। यही इतनी सी खबर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट न्यूज है, अभय कुमार सिंह को NHPC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। नियुक्ति संबंधी प्रश्न अगर बहुत लेटेस्ट में कभी पूछा जाए तो इसमें वन लाइनर में आ जाएगा। NHPC क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है, पावर उत्पादन इकाई है जो बिजली से मतलब पन बिजली परियोजनाओं का उत्पादन करती है। NHPC के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह बनाए गए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, बालाकोट एयर स्ट्राइक को एक साल पूरा हुआ। लास्ट ईयर 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, तो एक साल 2020 को पूरा हुआ। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, POK है, उसमें बालाकोट जो जगह है वहां पे 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन बंदर नामक एयर स्ट्राइक की थी। इसका कोड नेम क्या था, ऑपरेशन बंदर। जवाब में 27 तारीख को पाकिस्तान से कुछ लड़ाकू विमान आए थे, जहां फिर हमारे अभिनंदन वर्धमान वहां पर पकड़ लिए गए थे। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज जो लड़ाकू विमान था वही गया था एयर स्ट्राइक करने। ऑपरेशन बंदर में मिराज का उपयोग हुआ था और जो अभिनंदन का विमान गिरा वो MiG था। इसमें जो बम इस्तेमाल हुआ था वो इजराइल से बना था और मिराज जो वायुयान है वो डसॉल्ट यानी कि फ्रांस की कंपनी है। याद रखिएगा, मिराज डसॉल्ट का बनाया हुआ एक विमान है और डसॉल्ट ने ही अभी क्या बनाया है, राफेल, जिसको कि भारतीय सेना ले रही है। और इसमें जो बम यानी कि वायुसेना ने जो विस्फोटक इस्तेमाल किए थे वो विस्फोटक 2000 के नाम से जो विस्फोटक है वो विस्फोटक इसराइल से लिए गए थे। ऑपरेशन बंदर जो इसमें फैक्ट था वो हमने देख लिया, 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था, उसी के जवाब में ये है। भारत और यूनाइटेड किंगडम की वायुसेना के बीच इंद्रधनुष अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यास इस समय महत्वपूर्ण है, एक अभ्यास हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है और घुमा फिरा करके मतलब अभ्यास का नाम वो एक ही रहता है, हर साल इधर उधर होता रहता है। तो इंडिया, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इंद्रधनुष जो अभ्यास है, इंद्रधनुष अभ्यास क्या है, वायुसेनाओं के बीच में, भारत और यूनाइटेड किंगडम की वायुसेनाओं के बीच का अभ्यास है। यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स बोलते हैं, भारतीय वायुसेना तो आप जानते ही हैं, भारत की ओर से गरुड़ कमांडो हिस्सा लेते हैं इसमें। नॉर्मली अंतराल में एक एक बार के अंतराल में एक दूसरे के देशों में होता है, इस बार हिंडन एयरफोर्स गाजियाबाद में जो है स्टेशन वहां पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, अजय गंगा को मास्टर कार्ड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया। जब आपके पास कोई कार्ड होता है, चाहे ATM डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो आप देखेंगे उसमें वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये सब लिखा रहता है। तो वो क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो ये सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मास्टर कार्ड एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। उसके अजय गंगा को इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया। दैट्स इंफॉर्मेशन, इतनी सफिशियंट है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत सरकार की प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति क्या है। देखिए, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। तो प्रतिचक्रीय है यानी, तो इसी के साथ एक प्रो साइक्लिक भी होगा, एक चक्रीय भी होगा, तभी तो प्रतिचक्रीय होगा। तो चक्रीय राजकोषीय नीति समझ लीजिए, तो आपको प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति अपने आप समझ में आ जाएगी। तो देखिए, हेलो, देखिए, उछाल के दौरान सरकार उछाल को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यय में वृद्धि करती है, तो उसको प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी यानी कि चक्रीय राजकोषीय नीति बोलते हैं। उछाल के दौरान सरकार उछाल को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यय में वृद्धि करती है, और इसी का उल्टा जब करें, जब मंदी के दौरान प्रतिचक्र राजकोषीय नीति का उद्देश्य करों को कम करके व्यय में वृद्धि करना होता है। तो अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लीजिए कि जैसे जब सर क्या होता है, उछाल के दौरान यानी कि मार्केट बढ़िया चल रहा है, मार्केट अगर अच्छा चल रहा है तो सरकार और उस मार्केट को उछाल देने के लिए अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने लगे, लोगों के खातों में और पैसा जाने लगे, सरकार व्यय बढ़ाए, लोगों के खाते में और पैसा जाए,
जिससे लोग और खर्च करें तो व्यय में वृद्धि हो और एक प्रोसाइक्लिक ऐसे स्पाइरल बनता जाए, तो ये भी एक तरीका है मार्केट को और उछाल देने का। लेकिन अभी हाल क्या है, अभी क्या है, मंदी की आहट है, मंदी का दौर चल रहा है, तो इसमें प्रति चक्री राजकोषीय नीति का अनुपालन सरकार करेगी। इसका उद्देश्य क्या है, करों को कम करेगी। करों को कम करने का सबसे पहला देखिए, प्रत्यक्ष कर को कम किया जा सकता है और अप्रत्यक्ष कर को कम किया जा सकता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स को कम किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स में मान लीजिए जीएसटी कम कर दीजिए और प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स, तो लोग अगर इनकम टैक्स कम हो जाए तो लोगों की जेब में और पैसा होगा और लोग खर्च करेंगे, और लोग खर्च करेंगे। मान लीजिए अभी कोई बिना साबुन के नहाता है तो वो साबुन खरीदने जाएगा, साबुन खरीदेगा तो उस पर जीएसटी पे करेगा, तो अल्टीमेटली सरकार को एक टैक्स तो मिल ही रहा है। इस तरह से प्रति चक्री राजकोषीय नीति कम को अप्लाई करके व्यय में वृद्धि होगी। किसकी, ये आम जनता की व्यय में वृद्धि होगी, और चक्री वाले में सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है, यहाँ पर आम जनता की व्यय में वृद्धि होती है। कैसे, या तो प्रत्यक्ष कर कम कर दीजिए, सरकार प्रत्यक्ष कर कम कर दे, जनता की जेब में और पैसा है, अभी जो 20% टैक्स दे रहे हैं या 30% स्लैब में है उनको 20% पर रख दीजिए तो उनकी जेब में पैसा आ जाएगा, वो और खर्च करेंगे, एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, तो उस पर भी जीएसटी पे करेंगे, सरकार को और पैसा जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, जीएसटी ही कम कर दीजिए, सामान और सस्ता कर दीजिए, तो अगर टैक्स उनके पास काटने के बाद भी 100 रुपए बचा है, सामान सस्ते हो गए, अभी जिसमें एक सामान खरीद रहे हैं वहां पर टैक्स कम हो गया तो उसमें 1.5 सामान खरीद सकते हैं, 2 सामान खरीद सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है व्यय में वृद्धि करने का। तो ये प्रति चक्री राजकोषीय नीति है जिसका ये उद्देश्य है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।